वो तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा खेलना कूदना, तुम्हारा लड़ना, हंसना मुस्कुराना, सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आता है। सिर्फ तीन बताएंगे, बहुत ही अहम सीधा मिड पॉइंट वाली बातें। ये देखिए मकोड़े, ये साले काट रहे हैं मुझे। अगर आ गया ना तो इधर कोई संभालने वाला नहीं है। घर में पता क्या करते थे हम, दीवार से जाके लग जाते थे, और इधर मुझे लगता है अब मैं गिर जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज की जो वीडियो है ना, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे मुबारक। तो आज के दिन मैं आपको सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है, बहुत याद आते हो, बहुत ज़्यादा याद आते हो, वो तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा खेलना कूदना, तुम्हारा लड़ना, हंसना मुस्कुराना, सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आता है। इतना याद आता है, इतना याद आता है कि कभी कभी तो मैं उन्हें सोच के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। इतना खुश होता हूँ कि इतना शुगर मेला लगा करता था, और कभी कभी सैड हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। तो खैर, आज खुशी का दिन है भैया, तो खुशी खुशी वाली बातें करते हैं, छोलो शायद वाली, वो तो फिर पूरा साल चलता रहेगा। तो खैर, आज दिल में आ रहा है कि जो जो अच्छी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं वो अपने पूरे नाज़रीन को बता दें। अगर सारी बताने लग गए तो 2 घंटे का व्लॉग बनेगा, तो सारी नहीं बताएंगे, सिर्फ 3 बताएंगे, बहुत ही अहम सीधा मिड पॉइंट वाली बातें। ये देखिए मकोड़े, ये साले काट रहे हैं मुझे बार बार, तो इससे बेहतर जगह मुझे मिल नहीं सकती, क्योंकि फिर शोर शराबा, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं जी, हो गया हो गया हो गया, तो मैं कहता हूँ कोई शांत जगह पे आए और उधर आके बातें करें। तो इधर भी कब्बे आए हुए हैं, ज़ोर ज़ोर से शां शां लगे हुए हैं, लेकिन इग्नोर मारते हैं भैया इनको। तो पहली चीज़ जो आपसे सीखी वो ये थी कि अगर किसी के दर्द का मरहम नहीं ना बन सकते आप, तो कम से कम उसके दर्द की वजह भी ना बने। नंबर 2, कि वक्त है बीत जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। नंबर 3, अगर खुदा पर भरोसा है, यकीन है ना, तो अपनी बारी का इंतज़ार करना, घबराना नहीं है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इन्हें लेके मैं चल रहा हूँ। तो सो नाइस वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं हमारे दिलो दिमाग में ऐसे रच गए हैं ना कि मज़ा आ जाता है कभी कभी सोच के। तो अभी अभी ना मकोड़ा आने लगा था मेरे पैर के नीचे, शुगर है बच गया, तो मैं कहता हूँ इस दर्द के पास ना ही खड़े हों, ऐसे फजूल में कोई मकोड़ा मारा जाएगा हमारे पाँव से तो क्या फ़ायदा। तो खैर, आज का जो वीडियो शूट करने का हमारा मकसद है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहो, और अच्छे से पढ़ाई करो, और बाकी अल्लाह भी छोड़ देना, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो करेगा बहुत अच्छा करेगा, बाकी खुश रहो यार। कभी दिल में आ जाया करे ना तो याद कर लिया करो, जब भी करता हूँ मैं ही मैसेज करता हूँ, खुद बात कर लिया करो कभी कभी। अब हम IM यूट्यूबर बन गया, तो अब हम मसरूफ़ रहा करेगा और तुम कहा करेगा कि भैया थोड़ा सा टाइम है तो बात कर लो, ठीक है। तो खुश रहा करो, खुश, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना है बहुत ज़्यादा, जैसे मैं करता हूँ ना, स्टेशन पे आके बैठ जाता हूँ और फिर तुम्हें पता ही है कैसे एंजॉय करता हूँ। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे मैं सेंटी हो जाता हूँ। तो ना, अब मैं एंड में भी यही कहना चाहता हूँ,
हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही हो कि आज के दिन तुम आए, अल्लाह ने आज के दिन तुम्हें इस दुनिया में उतारा। थैंक यू सो मच अल्लाह कि ये जो शहज़ादा है ना ये आया। माय डियर फ्रेंड एक बात बताऊँ, ये रजिस्टर लेकर आए हुए थे आज, हमने सोचा कि आप पर कोई नज़म टाइप कोई मतलब हैप्पी बर्थडे विश करें, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम खुद लिखने बैठते हैं तो एक वर्ड नहीं लिखा जाता। जब अल्लाह चाहता है ना तब भी दिमाग में चीज़ें आती हैं, फिर ही लिख पाते हैं हम तो, सॉरी लेकिन वादा रहा हम बहुत जल्द लिखेंगे और ये जो हैप्पी बर्थडे वाला लिखेंगे ये आपको पर्सनली सेंड कर देंगे, ठीक है। और हमें तकरीबन 6 माह हो गए हैं एक वर्ड नहीं लिखा, तो सर्दियों में टाइम मिला करेगा, अब आने वाली हैं तो फिर हम लिखा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखा करेंगे, फिर आपको शेयर कर दिया करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो एक मरतबा फिर से हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे लगता है मैं एक दो और चक्कर काटा ना तो मैं चक्कर आ जाएगा, क्या लगता है आपको चक्कर आ जाएगा? अगर आ गया ना तो इधर कोई संभालने वाला नहीं है। घर में पता क्या करते थे हम, दीवार से जाके लग जाते थे और इधर मुझे लगता है अब मैं गिर जाऊँगा। एक मिनट देखते हैं किधर है ये, इधर साथ ही दरख्त है उसके करीब चले जाते हैं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत ख्याल रखना अपना, ठीक है, और कभी भी घबराना नहीं है जैसे मुझे कहते हो, ओके। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, बहुत सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।